तो गाइस जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि पार्ट 3 में आइस गॉडजिला अपनी पूरी पावर बिग कॉन्ग को देता है और बिग कॉन्ग उसकी मदद से मेका गॉडजिला को हरा देता है और उसी समय पेनीवाइज का मालिक उसे अपने पास बुलाता है और किंग गिदोरा के बारे में बताता है। पेनीवाइज किंग गिदोरा का अंडा लेने इजिप्ट जाता है और हमें रोकने के लिए सायरन हेड को भेजता है, पर हल्क सायरन हेड को हरा देता है और उसकी मदद से हम भी इजिप्ट चले जाते हैं और वहाँ हमारा सामना होता है गोलम से। जब तक कि हम लोग गोलम को हराते हैं पेनीवाइज वो अंडा लेके चला जाता है। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस यार गड़बड़ हो गई, पेनीवाइज के हाथ में गिदोरा का अंडा लग गया। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर हम सिर्फ गोलम को मारने आए थे। बेवकूफ, तो अपन बहुत बड़े वाले बने, अपन ने यहाँ पर आके सिर्फ पेनीवाइज का रास्ता ही साफ किया है। हल्क को उल्लू बनाया, हल्क छोड़ेगा नहीं। छोड़ यार, अभी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे उसके लिए पहले यहाँ से निकलो तो सही। तो गाइस यार सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो हम लोग गर्मी से ही मर जाएंगे। अरे मुझे तो बहुत तेज भूख और प्यास लगी है। हल्क को भी भूख लगी। देख भाई अब यहाँ तो कुछ मिलने से रहा, इससे अच्छा यही होगा कि अपन चुपचाप चलते हैं। अरे मुझे तो लगता है हम भटक गए हैं। नहीं यार शिनचैन, मुझे लगता है थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अरे मान क्यों नहीं लेते हम भटक गए हैं? आप कब से बोल रहे हो पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे कब? ठीक है बाबा, पर अपने पास कोई चारा है क्या चलने के सिवा? मुझे तो लगता है मैं यहीं पे मर जाऊंगा। अरे वह क्या बात है, इतनी खूबसूरत दीदिया, वो भी इतने सारे खाने और पानी के साथ। अभी जाके खाता हूँ, बहुत मजा आएगा। आओ शिनचैन, जितना मर्जी उतना खाओ पियो। अरे आपको कैसे पता मेरा नाम शिनचैन है? अरे पता कैसे नहीं होगा, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। अरे वह क्या बात है, मुझे नहीं पता था मैं इतना फेमस हूँ। अरे इन दीदियों को देख के तो मुझे भी नाचने का मन कर रहा है। वह गाइस क्या बात है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। अबे शिनचैन क्या हो गया, चुप क्यों है? भूख के मारे आवाज नहीं निकल रही। गाइस यार शिनचैन कहाँ चला गया, अभी तो पीछे पीछे आ रहा था। अबे यार अभी ये कहाँ जा सकता है इतने बड़े रेगिस्तान में। भाई साहब गाइस यार ये रहा शिनचैन, पर ये नाच क्यों रहा है? शिनचैन ये क्या कर रहा है तू? अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं नाच रहा हूँ? दिखाई तो दे रहा है पर तू नाच क्यों रहा है? अरे क्योंकि अभी हमें भूखा नहीं मरना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्या मिल गया तेरे को? अरे मुझे बहुत सारा खाना और पानी मिला है। क्या बात कर रहा है, कहाँ पर है? अरे अंधे हो गए हो क्या, मेरे पीछे देखो। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कहाँ गया, अभी तो यहीं पे था। पागल वागल तो नहीं हो गया ना तू? अरे कसम से यहीं पे था। मुझे लग रहा ना तेरे को वहम हो रहा है, रेगिस्तान में लोगों को अक्सर ऐसी चीजें होती है। अरे यार पहले पता होता तो वहम में ही कुछ खा लेता, कम से कम मन को तसल्ली तो होती। अब छोड़ ये सब और चल फटाफट। अरे मुझे बहुत तेज सुसु आया है। अबे पिया तो तूने कुछ है नहीं, निकालेगा क्या? अरे ये तो कुदरती है, इसमें मैं क्या करूँ? एक काम कर, मैं तो बोलता हूँ अंदर ही कर दे, इतनी धूप है सूख जाएगा। अरे नहीं नहीं मुझे शर्म आती है। अच्छा तो ठीक है चल वहाँ जाके कर ले। अच्छा ठीक है अभी करके आता हूँ। अरे हल्क जरा इधर तो आना। रुको शिनचैन आ रहा हूँ, क्या हुआ? अरे जरा यहाँ उल्टे घूम के खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे छुप के सुसु कर लूंगा। अच्छा ठीक है। अरे वाह क्या मजा आ रहा है, पूरा शरीर हल्का हो गया। जल्दी करो, हल्क को भी सुसु आई। अच्छा ठीक है रुको। हल्क किसको दिखाई तो नहीं दे रहा ना? अरे नहीं नहीं हल्क तुम किसको भी दिखाई नहीं दे रहे, जल्दी से कर लो। अबे क्या दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है पहाड़ चूहे के पीछे छुप गया है। अरे फ्रैंकलिन भैया करने दो ना। अबे और कितना करेगा? अरे हल्क की बॉडी के हिसाब से टंकी भी तो बड़ी होगी ना। ये कैसी कैसी बातें कर रहा है तू? मालिक की जय हो, हम आपके लिए गिदोरा का अंडा लाए हैं। वाह क्या बात है, तुम तो जल्दी आ गए। हाँ उन बेवकूफों ने हमारा रास्ता साफ कर दिया था। अले अगर वो लोग नहीं होते ना तो पहले तो अपन गोलम ते माल खाते, उसके बाद हल्क ते भी माल खाते। अब वो रेगिस्तान में भटक रहे होंगे, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। चलो कोई काम तो तुमने ढंग से किया, अब बॉस हमसे बहुत खुश होंगे। बॉस कोशिश से नहीं परिणाम से खुश होते हैं। इसका परिणाम अच्छा ही होगा, मैं अपने मेका गॉडजिला का बदला लेके रहूंगा। अले पेनीवाइज प्लीज ऐसा मत बोलो, जब भी तुम ऐसा बोलते हो ना कुछ गड़बड़ होती है। मुझे तो लगता है तुम ही पनौती हो। अले मैं पनौती नहीं, मैं तो तिलिंदल मैन हूँ। और बाकी कैवेंजर कहाँ है? वो जहाँ कहीं पर भी है, जब तक अंडे तक पहुँचेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो अभी शुरुआत कर दो। शुक्रिया इस गॉडजिला, तुम नहीं होते तो ये जंग मैं नहीं जीत पाता। हाँ इस गॉडजिला तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अरे नहीं ये तो मेरा फर्ज था। ये मेका गॉडजिला तो सच में बहुत ताकतवर था। हाँ पर इस कचरे के ढेर का भी क्या करना है, ये जिसका है वो लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है पेनीवाइज़ इसे लेने जरूर आएगा। अरे पर बाकी के लोग कहाँ पर गए? मुझे भी कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं तो बेहोशी की हालत में था। यहाँ पर इतना कुछ हो रहा है और बाकी के लोग गायब, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आगे मैं संभाल लूंगा, तुम दोनों जाओ, तुम दोनों की हालत वैसे ही काफी खराब है। अच्छा ठीक है, बस जरूरत पड़ेगी तो हमें बुलाना। गाइस यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अभी आंखों का धोखा या सच है? हल्क को तो सच लग रहा। लग तो मुझे भी रहा है पर कुछ भरोसा नहीं। अरे फ्रैंकलिन भैया ये धोखा नहीं हो सकता, अगर धोखा होता तो हमें खाने पीने की चीजें दिखती। बात तो तेरी भी सही है। अरे वो तो हमेशा ही होती है। वैन दया भाई वो तो मैं देख चुका, जब तू वहाँ पर अकेला अकेला नाच रहा था। अरे अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं, तारीफ नहीं कर रहा तेरी मैं। गाइस यार फाइनली इतना भटकने के बाद एक छोटी सी बस्ती दिखी है। अरे जल्दी चलो ना, हमें पीने के लिए पानी मिल जाएगा। हल्क तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ और आयरन मैन को अंडे के बारे
में बता देना, यहाँ से आगे हम कैसे भी करके संभाल लेंगे। ठीक है, हल्क जाता है। और शिनचैन तू सुन ले, उधर जाने के बाद कुछ भी आड़ी टेढ़ी चीज मत बोलना। अरे मैं क्या बोल सकता हूँ। तो गाइस फटाफट से चलते हैं बस्ती के अंदर, क्या पता लोग यहाँ पर अपनी कोई मदद कर दे। अरे यहाँ पर तो इतनी गर्मी में भी लोगों ने गमछे लगाए हैं। शिनचैन यहाँ के लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया वो अंकल के पास चलो, उनके पास मुझे बहुत सारे फ्रूट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है चल आजा। अरे अंकल पानी मिलेगा क्या? बोलो बच्चा तुमको क्या चाहती? अरे बेरे हो क्या, मैंने अभी तो बोला पानी चाहिए। अरे बड़ा बदतमीज बच्चा है। शिनचैन ऐसा मत कर, तेरी वजह से लोग मदद नहीं करेंगे। हाँ बोलो तुम क्या लेने के वास्ते आई? अरे हम तो वो गिदोरा गाय का दूध लेने आए थे हम तो। गाय का तो नहीं, ऊँट का दूध मिलेगा। अरे हम ऊँट का दूध नहीं पीते, ऊँटनी का है तो बोलो। अरे हमारा मतलब वही था। शिनचैन एक बात बता, तेरे को लग रहा है ये लोग अपनी मदद करेंगे? अरे एक बच्चे से क्या पूछ रहे हो, मुझे कैसे पता होगा। अरे ये लड़का तो कैदे का देखा लग रहा है, अभी जाके अपने भाई से पूछता हूँ। भाई ये लोग कौन होती? अरे मुझे भी नहीं पता होती, इनको तो मैं पहली बार देखी। इन दोनों को तो मैंने कल प्राचीन मंदिर के बाहर देखा। ये तुम क्या बोलती, मुझे लगता है ये चोर है, अभी सामने से जाके देखता हूँ। अरे अब ये कौन है? अरे भाई साहब क्या हो गया? अभी बताता तुमको क्या हो गया, तुम एक नंबर के चोर होती। अरे पर हम लोग ने किया क्या है, ये चाकू क्यों बता रहे हो? अरे भाई साहब जरा इसको समझाओ। अबे यार ये क्या चल रहा है? अभी समझाती तुमको। अरे अंकल यार जाने दो ना, हम लोग ने तो कुछ किया भी नहीं। लुको तुमको तो जाने देती मैं अभी। अरे ये क्या चल रहा है वहाँ पर, अभी जाके देखते हैं। अरे ये लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं। पता नहीं गाइस यार यहाँ पर क्या चल रहा है। अरे क्या हो गया? अरे मुझे लगता है इन्होंने हमारा देवता चोरी किया। अरे कहीं आपका मतलब उस अंडे से तो नहीं था ना? शिनचैन ये क्या बोल रहा है तू? देखा मुझे तो पहले से ही पता था इन लोगों ने चोरी की। अरे इन लोगों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे हम लोग ने कोई अंडा चोरी नहीं किया। झूठ मत बोलो, तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए थे? अरे हम तो उस गिदोरा के अंडे के लिए आए थे। अबे ये क्या बोले जा रहा है, मरवाएगा क्या? देखा मैंने तो पहले ही कहा था। अरे उसका मतलब वो नहीं था, हम तो बस टूरिस्ट है, यहाँ पर घूमने आए थे प्राचीन चीजों को देखने। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया की शक्ल पे मत जाओ, ये खाली दिखने से ही चोर दिखते है। मैं तो बोलता हूँ इसको सरदार के पास लेके जाते हैं, इनको सरदार के हवाले कर देते हैं, वही इनका कुछ करेंगे। अबे यार कहाँ पर लेके जा रहे हो, चुपचाप से मुंह बंद करके पड़े रहो, नहीं तो गोलियों से छल्ली कर देगा। अरे अंकल थोड़ा सा पानी तो दे दो। सरदार के पास चलो, वो तुमको चाय पानी सब देगा। क्यों तुम्हारे सरदार की चाय की टपरी है क्या? ये बच्चे मुझे लगता है तुमको मार खानी है। अरे नहीं मुझे तो चोको चिप खानी है। 2 hours later अभी जाकर सरदार को बोल के आता हो। अरे भाई सरदार है क्या? सरदार तो है, पर ये उनके मनोरंजन का टाइम होती। अरे मुझे बहुत जरूरी काम है, वो अभी किसी से भी नहीं मिलती। अरे मेरे पास वो गिदोरा के चोर है। अरे क्या बात कर रही होती? हाँ अभी वो गाड़ी में है। रुको जरा अभी मालिक को जाके बताती। अब तुम दोनों नहीं बचोगे, तुम्हारा खेल तमाम। पता नहीं यार अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। अल हबीबी बोलो टकलिया, ये तुम किसको हमारे पास लेके आ गई? अरे मालिक ये वही हमारे देवता के चोर है। माशाल्लाह ये तुम क्या बोल रही होती? अरे इस बच्चे ने अपने मुंह से बोला है। अरे पर मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, ऐसी बात होती तो हम इनको बिल्कुल नहीं छोड़ती। अरे भाई ये दीदिया कितना अच्छा नाच रही है, कहीं ये भी मेरा वहम तो नहीं? ये वहम नहीं होती, ये हकीकत है। और ये तुम्हारी दीदिया नहीं होती, ये हमारी माशूका होती। अच्छा एक बात तो बताओ, आप भी लड़के हो मैं भी लड़का हूँ, फिर ये आप कब से होती होती की बोल रहे हो? हम ऐसे ही बात करती। अरे ये क्या बात हो गई, अब तो लोगों के जेंडर चेंज कर रहे हो। अरे टक ले इनको तो मजा चखाना पड़ेगा, जल्दी से खेल की तैयारी करो। अबे यार ये क्या बोले जा रहे हो, हमको कोई खेल नहीं खेलना। अरे हाँ हमको तो बस यहाँ से जाने दो, यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। और ये खेल नहीं होती, ये मौत का खेल होती। अरे फ्रैंकलिन भैया पता नहीं ये कौन सा खेल खेलने वाले है। गाइस यार यहाँ पर तो अपन मदद मांगने आए थे, सीन ही उल्टा हो गया। अरे कैसे क्या हो गई, देखती देखती हल्क पहुँच गया। फटाफट से टोनी के पास जाता हूँ। और हल्क तुम अकेले कैसे, फ्रैंकलिन और शिनचैन कहाँ पर है? अरे वो तो नहीं आए। नहीं आज से तुम्हारा क्या मतलब है, सब ठीक तो है ना? वो लोग गांव वालों से मदद मांगने गए हैं। अरे ये तुमने क्या कर दिया, वो लोग उनको चोर ना समझ ले क्योंकि गांव वाले उस अंडे को भगवान मानते हैं। अरे ये तो मुसीबत हो जाएगी, एक काम करता हूँ फ्रैंकलिन को फोन करके बोल देता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। अरे यार ये तो फोन ही नहीं उठा रहा। ये मैंने तो लगे वो नेटवर्क माना थी, रिंग तो जा रही है पर वो फोन नहीं उठा रहा। मुझे लगता है कोई ना कोई तो गड़बड़ हो गई है। अब हम क्या करेंगे? अब मुझे ही जाना पड़ेगा उस अंडे के रहस्य का पता करने और फ्रैंकलिन को ढूंढने। ये सामने न जाजे हां, तो गाइस जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, फटाफट से जाके अपना सूट पहन के निकलता हूँ यहाँ से। वाह क्या बात है, ये तो हमेशा की तरह चमक रहा है, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। चलो सूट तो पहन लिया मैंने, अभी फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ। अले पेनीवाइज अभी तंदे में थे वो गधेला बाल आएगा क्या? अबे बेवकूफ तेरे को कितनी बार बोला है, अब क्या लिख के दूं, वो गिदोरा होता है गधेड़ा नहीं। अले वो तब तोलो ना, बस इतना बताओ बाल आएगा कि नहीं आएगा? मेरे तो बहुत नींद आ ली फिल्म में तोने दाऊ। इतने जल्दी वो बाहर नहीं आएंगे, उन्हें बाहर लाने के लिए कुछ विधियां करनी पड़ती है। इस बेवकूफ की
की बात पे ध्यान मत दो, हमें इस विधि को पूरा करने के लिए कुछ चीजों की और जरूरत है। बस थोड़े ही टाइम में हम वो चीजें ले आएंगे, उसके बाद में किंग गिदोरा हमारे सामने होंगे। और क्या चाहिए? गाइस यार पता ही नहीं ये लोग कहाँ पर लेके आ गए अपने को, और सभी ने निशाना तो ऐसे बना के रखा है जैसे मैं बहुत बड़ा डाकू। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया आप आ गए। अरे आओ चिलगोजी, स्वागत है तुम्हारा इस मौत के खेल में। पहले तो ये बताओ शिनचैन को बंदी क्यों बना के रखा है? ये बॉस के सामने जबान लड़ाता है माशाल्लाह। अब ये बच्चे की जान तुम पर निर्भर होती। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब यहाँ पर एक मुकाबला होती, अगर तुम जीत जाती तो हम इस बच्चे को छोड़ देगा, अगर तुम हारेगी तो तुम दोनों मरोगी। गाइस यार ये कहाँ पर फंस गए? अरे बस गाइस इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। गाइस यार शिनचैन के लिए करना ही पड़ेगा अपने को। तो मिलो हमारे पहले सिपाही से। अबे ये क्या आइटम है? ये आइटम नहीं होती, ये पिरामिड हेड होती, ये हमारे इजिप्ट का कसाई होती। गाइस यार अब ये क्या बवासीर है? फ्रैंकलिन भैया दिखा दो इसको। गाइस यार ये तो अपनी तरफ आ रहा है। भाई साहब यार डर ही लग रहा है मेरे को तो। अरे फ्रैंकलिन भैया मानो ना। गाइस यार इसको तो कोई असर ही नहीं हो रहा बैट से, एक दो बार और ट्राई करके देखते हैं। अबे यार ये क्या सीन है, ये मार रहा है तो लग रहा है, मैं मार रहा हूँ तो लग ही नहीं रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया क्या कर रहे हो, मारो ना। अबे यार पूरी कोशिश कर तो रहा हूँ। गाइस यार मुझे लगता है इसको बैट से असर ही नहीं हो रहा है, एक काम करता हूँ हाथ से मार के देखता हूँ। ये ले तेरे ऐसे की तैसी। अरे वाह क्या बात है फ्रैंकलिन भैया। गाइस यार अब इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। अबे तेरे की नियत पे चाकू से वार करता है। गाइस यार इसका कोई ईमान धर्म है भी कि नहीं, अब तो ये गया मेरे हाथ से, ये गया। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया आपने तो इसको धूल चटा दी। गाइस यार फाइनली मरा ये, अब जल्दी से जाता हूँ राजा के पास और बोलता हूँ इसको छोड़ने के लिए। अरे वाह चिलगोजे तुम तो बहादुर होती, तुम्हारी शर्त के हिसाब से मैं जीत गया हूँ तो शिनचैन को छोड़ दो। अरे पर हमने कब बोला कि मुकाबला सिर्फ एक से होती? अबे क्या मतलब है तेरा, एक से नहीं तो कितने से? रुको जरा अभी तो हमारा दूसरा सिपाही आ रही। भाई साहब यार अब कौन आने वाला है? मिलो हमारे दूसरे सिपाही से। गाइस मुझे लगता है मैं पहुंचने वाला हूँ, जल्दी से जाता हूँ अंदर। अरे ये जगह तो काफी प्राचीन लग रही है, मुझे लगता है गिदोरा का अंडा इसी जगह पे रखा हुआ था, मुझे जल्दी से पता करना होगा गिदोरा के राज इन्हीं दीवारों पर लिखे होंगे। थोड़ा और अंदर जाके देखता हूँ, ये जगह तो काफी बड़ी है, इस लिखावट को पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है। मुझे लगता है ये वो जगह है जहाँ पर अंडा रखा गया था, पता नहीं यहाँ पर और कितने सारे राज दबे हुए है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है, मुझे जल्दी से जाके फ्रैंकलिन को ढूंढना पड़ेगा। तो गाइस मैं फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ। और ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ये फ्रैंकलिन बेहोश कैसे हो गया, जल्दी से बचाता हूँ इसको। ये ले तुम सभी लोग, कोई नहीं बचेगा मेरे हाथ से, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। ये ले मुझे लगता है यही यहाँ का राजा है, इसको और इसके साथियों को सबको मार देता हूँ। अरे वाह एनमैन तुमने तो कमाल ही कर दिया। रुको शिनचैन पहले फ्रैंकलिन को जगाता हूँ, बाद में तुम्हें खोलता हूँ। अरे हाँ कोई बात नहीं। अबे यार क्या हो गया था मेरे को, एक मिनट बताता हूँ, ये बहुत परेशान कर रहा है। ये ले तुम बेहोश हो गए थे फ्रैंकलिन। क्या बात कर रहे हो, मुझे तो याद भी नहीं मैं बेहोश कब हुआ। अरे जब उसके दूसरे सिपाही ने आपके मुंह पे पंच मारा था। तभी बोलूं मेरा जबड़ा इतना क्यों दुख रहा है। फ्रैंकलिन एक और प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम गई कब थी जो आएगी, अब क्या हो गया? मैं उस प्राचीन जगह पर वापस गया था और वहाँ पर मुझे पता चला कि गिदोरा के अंडे को जगाने के लिए हमें 3 ड्रैगन की जरूरत पड़ेगी। और मुझे लगता है कि पेनीवाइज उन ड्रैगन को जरूर ढूंढने जाएगा, इससे पहले कि वो लोग ड्रैगन तक पहुंचे हमें जाके वो ड्रैगन हासिल करने होंगे। अरे ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, हमें अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है चलो फटाफट। गाइस यार पता नहीं कहाँ तक भाग के जाना पड़ेगा। अरे फ्रैंकलिन भैया रुको ना मैं भी आ रहा हूँ। गाइस यार एक मिनट लेफ्ट में गाड़ी पड़ी है। भाई साहब यार नसीब अपना, अभी फटाफट से जाता हूँ इन दोनों को भी बिठा लेता हूँ अंदर। अरे वक्त क्या बात है आपको गाड़ी कहाँ से मिली? अबे तू बैठना। तो गाइस यार फटाफट से निकलते यहाँ से। अरे आपको याद तो है ना हम कहाँ से आए थे? शिनचैन मुझे लगता है ये वाला रास्ता था। अरे ये तो बहुत ही बड़ा स्लोप है। टेंशन मतलब बस टाइट पकड़ के रखना और ये चले गाइस अपन। अरे फ्रैंकलिन भैया ध्यान से। गाइस यार ये स्लोप तो बहुत ही बड़ा है और ये मारी अपन ने जंप। ओ भाई साहब। अरे फ्रैंकलिन भैया आराम से जंप करवाना। जंप तो हो गई है शिनचैन लैंडिंग की बात कर। गाइस यार बार बार बचे। अरे फ्रैंकलिन ये तुम बाहर की जगह अंदर क्यों जा रहे हो? क्योंकि मुझे लग रहा है ना हम लोग को यही से लाया था। अरे फ्रैंकलिन भैया ध्यान से आगे रास्ता खराब है। शिनचैन आराम से बैठना। अरे गाइस ये क्या हो रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया आराम से चलाओ ना, क्यों डरा रहे हो? गाइस यार ये क्या हो गया? अरे बार बार बच्चे आप तो मार ही डालते। शिनचैन अभी भी ध्यान से देखना क्योंकि आगे और भी रास्ता खराब है। गाइस यार ये पत्थर आ गया सामने। बच्चा भाई यार नसीब अपनी बच गए। अरे फ्रैंकलिन भैया आप जिंदा तो पहुंचा दोगे ना? अब इसकी कोई गारंटी नहीं है फ्रैंकलिन, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। अरे यार इतना मत डरो ना, तुम लोग की वजह से मुझे भी डर लगता है। अरे मुझे तो लगता है आपकी ड्राइविंग क्लास वापस से शुरू करवानी पड़ेगी। फ्रैंकलिन कैसे भी करके हमें घर तक पहुंचा दो। गाइस यार ये लोग तो बहुत ज्यादा ही डर गए। अरे यार यहाँ के रास्ते कितने उबड़ खाबड़ है। अरे हल्क तो घर पे पहुंच गया था ना? हल्क तो घर पे आ गया था, उसकी वजह से तो मुझे पता लगा कि तुम लोग कहाँ पर हो। अरे वाह क्या बात है, हल्क के लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया हम तो पहुंच गए। गाइस यार
ये जगह देख के इतनी खुशी हो रही है ना मुझे, अब जल्दी से अंदर चलो। तो गाइस यार अपन अंदर आ चुके हैं। हल्क सॉरी, हल्क सॉरी। अबे क्या हो गया तेरे को? हल्क तुमको अकेले छोड़ के आया। अरे हल्क इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम छोड़ के नहीं आए थे, फ्रैंकलिन भैया ने तुम्हें जाने के लिए कहा था। भाई साहब यार सबसे बड़ी गलती हो गई मेरी वहाँ पर। कोई नहीं अभी तो तुम ठीक हो ना? अरे हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जेल से बाहर आ गया हूँ। फ्रैंकलिन उस अंडे का कुछ पता चला? अंडा तो पेनीवाइज के पास है, पर उसको जगाने के लिए 3 ड्रैगन की जरूरत पड़ेगी। 3 ड्रैगन? अब ये कहाँ से आ गए? मुझे नहीं पता, मुझे भी टोनी ने बताया। अरे मुझे वही से पता चला जहाँ पर गिदोरा का अंडा रखा था। इसका मतलब कि पेनीवाइज वो ड्रैगन लेने गया होगा, या तो गया होगा या तो जाने वाला होगा। फिर तो अपने को भी कुछ करना पड़ेगा ना, हमें टीम में डिवाइड होना पड़ेगा। टीम 1 में मैं और फ्रैंकलिन रहेंगे, टीम 2 में हल्क और शिनचैन, टीम 3 में थॉर और उसके साथ कोई भी चला जाएगा। अरे हम तब लोग इतने धोखे क्यों है? क्योंकि बॉस आने वाले हैं। अपना मुंह बंद रख सिलेंडर मैन। अरे पल मैं तो कुछ बोला भी नहीं। इतने टाइम हो गए बॉस को देखे, अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। अरे तब आइंदे, अब तो मेरे पैर भी दुख ले। अबे बेवकूफ अपना मुंह बंद रख। बॉस आ गए, कैसे हो मेरे शैतानी राक्षसो? हम सब ठीक है बॉस। तुमने हमें निराश किया है, हमें माफ कर देना, पर इस बार हम आपको निराश नहीं करेंगे। अले बहुत इसकी बात मत मानना, ये एक नंबर का बोल बत्तन है। पेनीवाइज मैंने तुम्हें कहा था इसे मुंह बंद रखने के लिए कहना। अले मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, हमें बस वो 3 ड्रैगन ढूंढने हैं। मैं साइरन हेड और सिलेंडर मैन अलग अलग जाके वो तीनों ड्रैगन ले आएंगे। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तो गाइज अगर आप लोगों को पार्ट 5 चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए अपन गोल रखते हैं 80,000 लाइक का। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।